नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बालाघाट नक्सलाइट इनकाउंटर में मारे गए दो इनामी नक्सली को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस जवानों को बधाई दी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि 29 लाख रुपए के इनामी डिवीजनल कमांडर को मारा जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दूसरा 14 लाख के इनामी नक्सलाइट को मारना ये मध्य प्रदेश पुलिस की सजगता को बताता है। बालाघाट जिला पुलिस और फोर्स के जवानों को बधाई। पुलिस जवानों की मुस्तैदी से पुलिस की अपनी अलग साख बनी है। इन जवानों पर मध्य प्रदेश सरकार को गर्व है। हम नक्सलाइट मूवमेंट को कभी भी पनपने नहीं देंगे। 3 महीने पहले सरकार बनने के 3रे दिन ही बड़ा इनकाउंटर हुआ था। जिन जवानों ने शौर्य बहादुरी दिखाई उनके लिए सरकार खड़ी है। सरकार उनके बारे में विचार करेगी। मेरा उनके प्रमोशन से लेकर अन्य सभी मामलों में पूरा समर्थन है। यही चीज हमें जनता में विश्वास बढ़ाने की तरफ ले जाती है। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देना चाहूंगा जिनने नक्सलाइट के 2 एनकाउंटर में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की और ख़ास करके ये जो बड़ी घटना हुई है जिसमें 29 लाख की इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से 14 लाख का दूसरा इनामी नक्सलाइट मारना ये हमारी पुलिस की सजगता बताता है। मैं अपनी ओर से बालाघाट के जिला पुलिस बल से सभी आर्म फोर्स के जवानों को बधाई देना चाहूँगा। आपकी इसी मुस्तैदी के कारण से हमारे अपने इस क्षेत्र में पुलिस की अपनी एक अलग साख बनी है। मध्य प्रदेश की सरकार को आप पे गर्व है और उम्मीद करेंगे कि नक्सलवादी किसी मोमेंट को हम कभी भी पनपने नहीं देंगे। मैं लगभग 3 महीने पहले सरकार बनने के 3रे दिन एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था और जो AK-47 मिली है ये तो 25 साल बाद किसी नक्सलवादी से हमने बड़ा हथियार बरामद किया है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना जब भी हो तो जिन बल के जवानों ने अपनी शौर्य बहादुरी दिखाई है उनके लिए सरकार खड़ी है। उनके सभी प्रकार के बारे में सरकार विचार करेगी। मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है। उनका प्रमोशन से लेकर सारे मामलों में और यही चीज़ें हमको जनता में विश्वास बढ़ाने की तरफ ले जाती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।